घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पादा राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफ़ी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के 1 हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या?
पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पादा राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी। कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़। पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी। पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे। डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल। पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी। कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़।
पुष्पा द राइस ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइस के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग-अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइस ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइस के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग पेपरानी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग पेपरानी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। उसको समझता क्या?
अल्लू अर्जुन की पुष्पादा राइस जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने
5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फेब्रुअरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या?
नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पादा राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के 1 हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना
चार्ज कर रही है 300 करोड़। पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फेब्रुअरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग-अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसके पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या?
पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पाता राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना
चार्ज कर रही है 300 करोड़। पुष्पा द राइस ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइस के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फेब्रुअरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग-अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइस ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइस के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू
अर्जुन की पुष्पाता राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फेब्रुअरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने
पांच वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइस के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग पेपरानी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग पेपरानी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या?
मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पाता राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। खुद को समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया।
क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइस ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइस के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग-अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या?
मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पाता राइस जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफ़ी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। खुद को समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफ़ी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना
चार्ज कर रही है 300 करोड़। पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग-अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। खुद को समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसके पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। यह सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें 2 लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या?
अर्जुन की पुष्पाता राइस जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने
पांच वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइस के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। क्या आप भी सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एक बार फिर से साथ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज जैसे डायरेक्ट किया है सुकुमार, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। एक शॉकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा ने। ये सब उसने एक स्वैग के साथ किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुकुमार इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना चाहते हैं, जिसका टाइटल पुष्पा द रूल है और ये 2022 में स्क्रीन में आग लगाने वाली है। पुष्पा 2 के बारे में जानने से पहले हम आपको इसके बारे में एक्शन एंटरटेनमेंट की 5 बातें बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं पुष्पा द राइज एक वेब सीरीज बनने वाली थी? कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग सुर्खियों में थी, पर सुकुमार ने इसकी पूरी तहकीकात की। उन्होंने मीडिया के साथ संपर्क किया, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के 6 महीने चंदन की स्मगलिंग के रिसर्च में बिता दिए। फिर उन्होंने इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने लाने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद इसे एक फिल्म के रूप में दिखाने का फैसला किया। क्या रश्मिका मंदाना चार्ज कर रही है 300 करोड़? पुष्पा द राइज ने 5 वर्षों में एक ग्रैंड रिलीज की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 3 करोड़ चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, और जबकि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। रश्मिका मंदाना करने वाली अपने चार्जेस 5% बढ़ा दिए हैं। आने वाली पुष्पा द रूल की कहानी क्या होगी? पुष्पा द राइज के आगे की कहानी होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कुली स्मगलिंग के काम में शामिल होकर एक स्मगलर बन गया। इस पार्ट में कलेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसका किरदार फहद फासिल निभाएंगे, वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें दो लोगों के बीच का ईगो दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। क्या डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 की शूटिंग फिर से करेंगे? डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने पुष्पा 2 की एक सीक्वेंस की शूटिंग कर ली थी, पर जब फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ी सक्सेस है तो डायरेक्टर फिर से सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। पुष्पा टीम
ने सीक्वल की शूटिंग फरवरी से शुरू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर पूरी फिल्म की शूटिंग फिर से करते हैं या नहीं। कब रिलीज होगी पुष्पा द रूल? पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ऐसे डायरेक्टर सुकुमार ने इस सीक्वल को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला किया है। 5 अलग अलग भाषाओं में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ऑडियंस वंस मोर जरूर बोलेगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। खुद को समझता क्या है?